Hi, thanks for tuning in. मैं हूँ नीलम और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं हमारी 2 week flat belly workout series के day 1 का workout. ये workout series एक well structured day-wise workout series है जिसमें पूरे 15 days तक आपको same workout follow नहीं करना है. I will keep modifying those workouts to maximize our results. तो अगर आप एक complete beginner हैं और आपने पहले कभी कोई workout नहीं किया है लेकिन अब आपको ऐसा feel हो रहा है कि आपको ध्यान देना चाहिए अपने टमी एरिया पे थोड़ा सा, या फिर आप ऑलरेडी वर्कआउट्स करते हैं, आपका लोअर बॉडी और अपर बॉडी ठीक ठाक है लेकिन फिर भी आप अपने मिड सेक्शन से खुश नहीं हैं, तभी आप इस वर्कआउट सीरीज को अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. लेकिन इस वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो इस सीरीज का पार्ट ही आपको समझना पड़ेगा. वो ये कि वाई यू हैव दैट प्रॉब्लमेटिक मिड सेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस, वाई यू हैव दैट बल्जिंग टमी इन द फर्स्ट प्लेस. सो उसका सबसे कॉमन रीजन होता है eating more calories than your daily maintenance. आप अपनी daily maintenance calories से ज़्यादा calories consume कर रहे हैं जो आपके midsection पे store हो रही हैं. दूसरा reason है inactive lifestyle. मतलब अगर आपकी job ऐसी है कि आपको बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है या फिर आपको उठने में interest ही नहीं है. तीसरा cause हो सकता है unhealthy food choices. मतलब आप खाते तो ज़्यादा नहीं हैं, आप कम ही खाते हैं लेकिन आप जो खाते हैं that is not always that healthy. And one more thing is poor posture. जी हाँ, आपके posture का भी बहुत ज़्यादा impact पड़ता है आपके stomach के flat होने में या फिर उसके outside होने में. Why? Because there is no magic pill. क्योंकि क्या होता है कि आजकल हमारे पास बहुत सारे options हैं अपनी laziness को encourage करने के लिए. You can outsource so many things. जैसे कि आपको अगर कुकिंग करने का मन नहीं है तो आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं फूड. अगर आपको हाउस क्लीन करने का मन नहीं है, यू कैन कॉल अर्बन क्लैप. सो वी कैन आउटसोर्स मल्टीपल थिंग्स नाउ डेज, बट देर इज वन थिंग यू कांट आउटसोर्स, दैट इज अ फिट बॉडी. यस, आप उसे आउटसोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते. उसके लिए आपको खुद को एफर्ट करना पड़ेगा, चाहे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी है, आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, बट टू हैव अ फिट बॉडी यू योर सेल्फ हैव टू पुट द एफर्ट. तो इन 15 डेज में आपको फॉलो करना है कैलोरी डेफिसिट. मतलब जितनी भी आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उन्हें चेक कीजिए इंटरनेट पे, उसमें से 200 कैलोरीज और 300 कैलोरीज कम लेना शुरू कीजिए. उसके बाद आपको फॉलो करना है एक एक्टिव लाइफस्टाइल. आपको जो भी मौका मिलता है खड़े होने का, चले फिरने का, आप चलिए. जितना आप ज्यादा एक्टिव रह सकते हैं थ्रू आउट द डे. डोंट कीप बॉटल एट योर साइड, गो टू किचन टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करने हैं सो दैट यू कैन बी मोर एक्टिव देन द यूजुअल. इसके बाद आप जो भी खा रहे हैं आपको हेल्दी होम कुक्ड और बैलेंस्ड फूड ही खाना है. आपको बाहर का जंक फूड, एडेड शुगर वाली आइटम्स आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी है. वो सब आपको इन 15 डेज के लिए बंद करना होगा. और लास्ट मॉडिफिकेशन है योर पॉस्चर. डोंट हैव अ बैड पॉस्चर, ऑलवेज ट्राई टू सिट अपराइट वाइल यू आर वर्किंग ऑन डेस्क और यू आर वॉचिंग टीवी. ट्राई टू कीप योर स्पाइन एज स्ट्रेट एज पॉसिबल. सो मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग अ प्रॉपर पॉस्चर वाइल सिटिंग. डोंट बेंड, डोंट मेक अ सी शेप, कीप योर स्पाइन अपराइट and try to actively keep that stomach in. ये छोटे-छोटे points आपको इन 15 days में follow करने हैं without fail. अगर आप सचमुच में serious हैं एक flat belly को achieve करने के लिए तो इसलिए इन 15 दिनों में हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना है. ये इस series का part है, this is not separate. So I will mention all these points in the description also. आप वहाँ से जाके भी उन्हें note कर सकते हैं. चलिए अब बात करते हैं workout की. तो ये 10 minutes का HIIT workout है जिसमें 10 एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें हम 45 सेकंड्स के लिए परफॉर्म करेंगे. उसके बाद हम 15 सेकंड का ब्रेक लेंगे. अगर आपको लगता है कि आप 45 सेकंड्स तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. लेकिन याद रखिए कि वो 45 सेकंड्स आपका वर्क टाइम है, आपको उसमें कम से कम ब्रेक्स लेने हैं. अगर आप उसमें कोई ब्रेक नहीं ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें एम भी यही करना है कि हम उसमें कोई भी ब्रेक ना लें. बट मैं ब्रेक इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि हम सभी के फिटनेस लेवल अलग अलग हैं. ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान 45 सेकंड्स तक परफॉर्म कर रहा है एक्सरसाइज तो दूसरा भी कर पाए. इसलिए अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और आपको लग रहा है कि आप 45 मिनट्स तक नहीं कर पा रहे हैं तो टेक अ 2-3 सेकंड्स ब्रेक इन बिटवीन एंड देन यू स्टार्ट ओवर अगेन, बिकॉज दैट 45 सेकंड इज़ योर ऑफिशियल वर्क टाइम.
उसके बाद आपको 15 सेकंड का ब्रेक लेना है। हाँ, वो 15 सेकंड का ब्रेक आपको जरूर लेना है बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज। दैट 15 सेकंड ब्रेक इज योर ऑफिशियल ब्रेक, जो कि हम सबको लेना है, चाहे आप कोई भी लेवल पे हैं। सो आई होप इट्स वेल अंडरस्टूड। वी विल ट्राई टू कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज फॉर 45 सेकंड, बट इफ यू आर नॉट एबल टू पॉज अ लिटिल एंड देन स्टार्ट ओवर अगेन, बट ऑलवेज रिमेंबर टू पुश योरसेल्फ, क्योंकि जितना अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए उतना ही सॉलिड आपको एफर्ट भी देना पड़ेगा। ऑल्सो दिस इज नॉट ए फुल बॉडी वर्कआउट, ये एक कोर फोकस वर्कआउट है, सिर्फ हमारे मिड सेक्शन को टारगेट करेगा। इसलिए अगर आप पहले से कोई वर्कआउट्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको उन वर्कआउट्स को फिनिश करने के बाद इसे 10 मिनट्स के लिए परफॉर्म करना है। और अगर आप कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं, सिर्फ आप यही करना चाहते हैं, वैसे तो मैं इस आइडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर, मेरे हिसाब से टू बी फिट यू नीड टू फोकस ऑन योर फुल बॉडी वर्कआउट्स, बट फिर भी इवेंचुअली इट्स योर चॉइस। तो अगर आप सिर्फ यही वर्कआउट कर रहे हैं तो इससे पहले आप कोई भी क्विक वार्म अप जरूर कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई हैव माय टाइमर और हमारी पहली एक्सरसाइज है साइकिल्स। उसके लिए आपको यू नीड टू लाई डाउन फ्लैट एंड यू हैव टू कीप योर लेग्स अप एंड स्टार्ट साइकिलिंग। This way you have to do it slow and controlled movements you have to perform. So I'm going to switch it on and let's start this. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we've done before we even started. So do not rush this movement. Do it in slow and controlled manner. If you want to take any break, take a break, but keep going. So next exercise is crunch. To perform crunch, you need to bend your knees here and we have to crunch like this. As I'm walking to a place I'm shaking, I am picturing. Don't forget to cross here, and when you crunch up, breathe out, and when you crunch down, then breathe in. Breathe out here and breathe in here. Pause for a second here and then you go back to starting position. So next exercise is seated twist. Bend your knees like this. Keep your hands here and twist from side to side. Keep your body little tilted, don't keep it upright, keep it little tilted, squeeze your core and keep going. Also keep your back straight. That is also very important. Keep your back straight. Next up is full plank hold. For that, we have to keep your arms at 90 degrees from the floor. Here we have to maintain a full plank. Keep your body in line, straight, not up, not down, not like this. Keep it just right in line, completely. Squeeze your stomach in, keep breathing.
take a break. If you are finding it difficult to continue for 45 seconds, take your break and then start over again. But do not give up. Before we finish 45 seconds, then we will take a break again. So next up is tuck hold. For that again you have to lie down flat and you have to tuck your body, squeeze your stomach in, just hold this position. So next up is seated scissor cross, जिसे हम इस तरह से करेंगे. Take your hand support, keep your hand on the side and do this, then put them down. One scissor and then put it on the floor. Again a scissor, put it on the floor. Keep your body leaning backward. Next up is toes circle. Again you have to lie down and make the circles with alternative legs like this. Keep your body straight, your core tight, don't move your core too much and make a circle like this and then you pause it. Alternatively we have to perform this movement. Make a circle from in to out like this. Just keep going. Next is alternative toe touch. Again, this is in lying position. You have to keep your hands outstretched and alternatively we have to touch our toes. If you can't reach to the foot, not a problem. Just try to reach your knee. Bend your knee like this. Try to reach your knee here or knee here, anywhere. It's just you have to twist your body. That is important. When you twist,
feel the contraction in your obliques. Or if you can, just try to touch your toes up. Next up is standing elbow to knee. Stand up and you have to do this. Try to touch your knee to your elbows. Alternatively, you have to perform this movement. And when you touch it, feel the contraction in your obliques again. Pause here a little and then you go back to starting position. Workout. I hope you liked it. If yes, then please don't forget to give this video a like. और यही workout आपको day 2 को भी perform करना है. Then I will be designing your new workout for day 3 and 4 in my next video. So please subscribe if you haven't already and don't forget to press the bell icon so that you will never miss the video with me again. And keep moving, keep pushing yourself. Thanks for watching. Bye bye.